सिटी सिंगरौली लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा योग कर्मियों के बीच पहुंचे और उनसे समर्थन मांगा। मिश्रा ने योग कर्मियों के बीच खुद भी योग किया और स्वच्छता की शपथ भी ली। सिंगरौली भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा और सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज रामनिवास शाह व डॉक्टर राजेश मिश्रा चाचा नेहरू पार्क में योग कर्मियों के बीच पहुंचे व खुद दोनों नेताओं ने योग कर्मियों के बीच योग किया और स्वच्छता की शपथ ली। भाजपा प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने कहा, मैं तो लगातार जनसंपर्क से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों से अपील कर रहा हूँ कि हमें आप लोग चुनिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करिए जिससे वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। विधायक रामनिवास शाह ने कहा कि जैसा कि भाजपा के सांसद प्रत्याशी ने कहा है कि योग करें और निरोग रहें, विधायक ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनकी योजना का एक प्रमुख हिस्सा योग भी है। आज मैं यहाँ था तो मैंने पूछा कि कहाँ होता है, तो हमारे माननीय विधायक जी बोले कि ये पार्क में चलते हैं अपन, तो हम यहाँ आ गए। और योग सभी को करना चाहिए, पहले तो करे योग रहे निरोग, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और रही समर्थन की बात, तो मुझे तो वैसे भी जनता जनार्दन का समर्थन प्राप्त है, इसलिए कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको पूरा राष्ट्र इस समय पर बड़ी उम्मीद से ये देख रहा है कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठने जा रहे हैं। हम लोग तो उनके एक सिपाही की तरह है, लगे हैं काम में, और मुझे पूरा समर्थन है, सभी का समर्थन है। मिलना तो हमारा स्वभाव है, हम वैसे मिलते रहते हैं, बिना चुनाव के भी हम लोग मिलते रहते हैं। इसी भारत संकल्प यात्रा 2047 का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है उसमें एक योग है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि करें योग रहे निरोग, तो ये भी एक योग के लिए तो मोदी जी ने पूरे विश्व को योग करा दिया। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो चल रही है, विकास के लिए वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए पुनः चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आए और अंतिम पंक्ति तक रहने वाले गरीब परिवार को लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करें और देश का विकास करें। हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं, आने वाला समय भी यही चाहता है, इसलिए सबका हार्दिक स्वागत पुनः भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। डॉक्टर राजेश मिश्रा साहब भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप प्रत्याशी हैं, आप विद्या भारती में पहले काम करते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में काम करते, पहले जी चिकित्सक भी थे, तो सभी क्षेत्रों में काम करते हुए सेवा करते हुए आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि पिछली बार लोकसभा में हम लोग 3 लाख से चुनाव जीते थे, इस बार 4 लाख से चुनाव जीते, आप सबसे आगे हैं। योग प्रशिक्षिका दीपा सिंह ने भाजपा प्रत्याशी से कहा कि आप यहाँ आए हैं, आपके गुण दोष को देखकर जनता आपको वोट देगी, जैसे ही आप चुनाव जीत जाएं फिर से जनता के बीच में ऐसे ही जरूर आए। वो अच्छा काम करते हैं, उनको तो सपोर्ट करना ही चाहिए, हर जनता को चाहिए कि भाई खुद भी अवेयर रहें और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इन लोग के सामने, नेताजी लोग के सामने रखिए, और अगर काम कर रहे हैं तो प्लीज वोट दीजिए, सब जीत दीजिए वोट, और हम लोग भी देते ही है वोट, तो वोट देना चाहिए, दीजिए सब लोग को देना चाहिए, और आप लोग जीतिए तो प्लीज फिर से आइए। कुछ समस्याएं हैं आप लोगों की, एक एक जनता मिलके आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, तो ये आपका रिस्पांसिबिलिटी है कि आप पब्लिक को भूले नहीं, उनसे किया गया वादा प्लीज पूरा करिए, और 5 साल के लास्ट में नहीं, 5 साल की स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाइए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।